हेलो गाइज, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज मैं हूँ सुल्तानगंज में और मैं यहाँ पे आज कवर करने वाला हूँ सुल्तानगंज का सबसे प्रसिद्ध मंदिर। और यहाँ पे गंगा नदी भी है जहाँ से लोग जल भरते हैं और सीधा देवघर के लिए रवाना होते हैं। तो भाई बिना देर किए मैं तुम्हें लेके चलता हूँ सुल्तानगंज का सबसे फेमस मंदिर। और यहाँ पे बहुत कुछ है दिखाने को, तो चलो मैं सीधा तुम्हें सुल्तानगंज लेके चलता हूँ। मतलब वैसे तो मैं सुल्तानगंज में ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मंदिर लेके चलता हूँ। और यहाँ की जो गंगा नदी है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, फेमस क्या मतलब भाई, उसे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है सुल्तानगंज को। तो चलो भाई मिलते हैं व्लॉग में, लेट्स गो। तो गाइज फाइनली वेट इज ओवर, हम पहुंच चुके हैं। अब बस दिखाता हूं मैं आपको आगे जाकर। तो जैसा कि आपको पता है कल छठ भी है, तो वहां इसके लिए भी यहां पे बहुत सारी प्रिपरेशन की हुई है। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। चिंता में यूं जागे फिर ना सोए तेरे नैना, मुझसे पहले मेरे दुख में बाबा रोए तेरे नैना। यहीं रहते हैं? नहीं, हमारा घर जो है ना वो अच्छा, तो यहाँ मतलब क्या छठ का तैयारी कर रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ सब सावन का ये सब जो है ना बना दिया है। अच्छा, सावन के लिए मेन मंदिर उधर है। ठीक है, तो गाइज ये जो भी अभी आप खाली जगह देख रहे हो, ये जो भी अभी आपको खाली खाली दिख रहा है, सावन में मतलब ये सब कुछ भरा हुआ रहता है। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, जैसा कि आपको पता है कि सावन में यहाँ पे मतलब बहुत सारे श्रद्धालु लोग आते हैं और मतलब जल लेके सुल्तानगंज से देवघर को जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। इधर जो मैं आया था, इधर छठ के लिए तैयारी हो रही थी, मतलब घाट था तो घाट सज रहा था, दिखाया मैंने आप लोगों को। और अब मैं मेन मंदिर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आगे मेन मंदिर है, वहाँ पे लेके आपको चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या कुछ है वहाँ पे। चलिए मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ से मतलब मेन मंदिर के तरफ जा रहे हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हो अभी इधर जितनी भी दुकानें हैं सारी की सारी बंद हैं, क्योंकि इधर जो मेन मेला लगता है वो सावन में ही लगता है और बाकी दिन इधर उतनी भीड़ नहीं रहती है। तो अगर आपको सुल्तानगंज का नज़ारा देखना है तो आप सावन में यहाँ आ सकते हो, आपको दिख जाएगा क्या सुल्तानगंज। तो चलिए आपको मेन मंदिर लेके चलते हैं। मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। दिस इज दी मेन एंट्रेंस ऑफ सुल्तानगंज, ठीक है। यहाँ से मेन एंट्रेंस है, यहाँ से आप जा सकते हो और यहाँ से आप अगर जाओगे सीधे तो आप मंदिर की तरफ पहुँच जाओगे, यही है मेन एंट्रेंस। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। तो गाइस काफी मजा आ रहा है, मतलब वैसे भी मंदिर में आके काफी अलग लेवल की शांति मिलती है जो यहाँ पे फील हो रहा है। और आगे मैं जब पहुंचूंगा तो ये जो आप देख रहे हो ये सारे मतलब गंगा नदी है। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं।
जहां पवन बहे संकल्प लिए जहां पर्वत गर्व सिखाते। कुछ टाइम पहले मैं यहां पे आया था तो ये जो आप सूखा सूखा देख रहे हो यहां पे काफी ज्यादा पानी हुआ करता था, लेकिन अभी और यहां पे कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, बच्चे लोग हाथ छोड़ के, वो भी सच ए यूनिक वे। तो भाई पानी तो उतना है नहीं यहाँ पे, बट फिर भी है। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। तो गाइज ये जो सुल्तानगंज है यहाँ से देवघर का डिस्टेंस 111 किलोमीटर है, मतलब 111 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है। सोच सकते हो आप इतना ज़्यादा डिस्टेंस, मतलब भाई 5 किलोमीटर चलने में हमारी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन जो यहाँ पे आते हैं, मतलब श्रद्धालु जो आते हैं सावन में, वो यहाँ से 111 किलोमीटर डिस्टेंस पैदल कवर करते हैं। सोच सकते हो उनके मतलब जज्बे को आप सलाम करोगे गाइज। और यहाँ पे देख सकते हो आप अभी पानी तो बहुत है, मतलब है ही नहीं भाई, देखो। और मेरे पीछे मंदिर, बस छूने से तर जाए सबसे पवित्र वो पांव। बस लिए समर्पण तन मन से मैं देव भूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। सौभाग्य मेरा मैं तुमको शीश नवाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। जहाँ ऊंचे नीचे सब रस्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य जाता हूँ, हो जाता हूँ। Oh, yeah.
बस छूने से तर जाए। तो गाइस फाइनली व्लॉग कंप्लीट हो गया। भाई मैं पूरा मंदिर को कवर अप नहीं कर पाया क्योंकि भाई अंदर में पूजा हो रहा था, और भाई पूजा हो रहा था तो इसलिए मैं पूरा मंदिर नहीं जा पाया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था अंदर जाने में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और भाई सब्सक्राइब करें।